त्रिव्रत कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है, हम एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, एक्सपोर्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज आपके लिए हम बना चुके हैं और अलग अलग देशों के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। फिलहाल हम जो वीडियोज बना रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज बना रहे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड का जितने सारे देश है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज हम बना चुके हैं। कुछ कंट्रीज बाकी है, कैरिबियन आइलैंड्स का कुछ कंट्रीज बाकी है, हो सकता है आने वाले दिनों में हम वो भी ख़त्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। सो इस टॉपिक में, हमारा इस वीडियो में, इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कितने टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होता है, भारत कितना, इंडिया कितना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, फिलहाल इंडिया का कितना पोजीशन है, 2030 तक इंडिया का कितना पोजीशन आएगा, टॉप कंट्रीज वर्ल्ड का जो टॉप कंट्रीज होते हैं वो कौन से कंट्रीज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में आगे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, और कौन से और कितने सारे कंट्रीज है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट और हाउ टू एक्सपोर्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जो जैसा कि हम हमने बता चुके हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG। FMCG का मतलब होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आपका, जैसा कि आप डेली का जो चीज़ आप हर दिन जो चीज़ यूज करते हो और वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन आप वो चीज़ को ख़रीदना पड़ता है, वो होता है डेली कंज्यूम का प्रोडक्ट है। जैसा हो गया साबुन, सर्फ, तेल वगैरह जो है, ये डेली का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। जैसे कि आपने एक साबुन ख़रीदा, 4-5 दिन के बाद वो ख़त्म हो गया, फिर आपको ख़रीदना पड़ता है, वो क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूम जो प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, तो आप वन टाइम आपने यूज करते हो, बाय करते हो, कुछ प्रोडक्ट होता है लंबा टाइम चलता है, कुछ प्रोडक्ट होता है थोड़ा टाइम के बाद आपको ख़रीदना पड़ता है। जैसा कि क्या आपका मोबाइल फ़ोन्स आप ख़रीदते हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद, हो सकता है ख़राब होता है नहीं होता, लेकिन आप उसको चेंज करते हो। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसा कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, टीवी वगैरह खरीदते हो तो लॉन्ग टाइम चलता है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। उसमें कुछ होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, कुछ होता है लॉन्ग टर्म यूजेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, तो भारत, इंडिया, हमारा देश इंडिया का स्टैंड, इंडिया का पोजीशन फिलहाल टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं है, वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं है, और आगे बताऊंगा मैं कितने सारे कंट्रीज़ टॉप 10 में है और कितने सारे कंट्रीज़ वो इम्पोर्ट करते हैं। 2012-13-14 के अंदर इंडिया का जो एक्सपोर्ट वैल्यू था, एक्सपोर्ट किया था इंडिया $6,600 मिलियन का कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट किया था 2012-13-14 के अंदर। 2012-13-14 के अंदर 6,600 मिलियन डॉलर। ठीक है, अभी 2021 में इंडिया $12,400 मिलियन एक्सपोर्ट किया है, मतलब खाली 2021 में इंडिया $6,400 मिलियन का कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। और ये जो वैल्यू, एक्सपोर्ट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 2000 अभी फिलहाल इंडिया का जो वैल्यू है, कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, $71 बिलियन का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है इन इंडिया का। और 2030 तक ये $124 बिलियन का पहुंच जाएगा मार्केट वैल्यू, इंडिया का मार्केट वैल्यू ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो फिलहाल जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होता है, तो नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा, जो आपको डेली सामान यूज करते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स वगैरह, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। तो जो आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होता है, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप देख लीजिए ऑन स्क्रीन में, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड है आप इसको लिख लीजिए, तो आपको एक नॉलेज रहेगा क्या क्या प्रोडक्ट होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में।
तो नॉर्मली जो होता है आप यूज करते हैं टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी, ऑडियो कैसेट टेप, डीवीडी, डीवीडी का मतलब होता है जो डीवीसी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स और वीडियो कैसेट्स। और ये जो होता है नॉर्मली आप यूज करते हो, और इंडिया में ज़्यादा करके जो बनता है मोबाइल फोन्स बनता है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, टेलीविजन्स, साउंड बार्स, होम थिएटर्स, कैमरास, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, एयर फ्रायर्स, सूप मेकर्स, कुक टॉप्स, डिश वॉशर्स और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, राडर्स, नेवल सिस्टम्स, टेलीकॉम सिस्टम एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स। ये हो गया हमारा इंडिया का, इंडिया में बनता है ये प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। और बाकी आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये पूरा समझाता हूँ, आप देख लीजिए, लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल एक में आता है कैमराज, फोटोज एंड एक्सेसरीज। तो उसमें कैमराज में आते हैं आपका एक्शन एंड स्पोर्ट्स कैमरा एक्सेसरीज, एक्शन एंड स्पोर्ट्स कैमराज, बेबी पेट मॉनिटर्स और बैकग्राउंड्स और बैटरी ग्रिप कैमरा एंड वीडियो बैग्स, ये कैमराज में आता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आता है, कंप्यूटर्स और ब्लैंक डिस्क, कंप्यूटर कैसेस एंड टावर्स, सीपीयू, डेस्कटॉप्स, फैंस एंड कूलिंग, ये हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में आता है। और आपका जो आता है बैटरीज आता है, पावर सप्लाई आता है और चार्जर्स आता है, चार्जर्स, बैटरीज एंड पावर सप्लाई, उसमें आता है बैटरी एक्सेसरीज, बैटरी केसेस, बैटरी चार्जर्स, चार्जर्स, एडप्टर्स, चार्जिंग एंड पावर स्टेशंस, चार्जिंग स्टैंड एंड होल्डर्स। ये हो गया आपका चार्जर्स एंड बैटरी पावर सिस्टम में, पावर सप्लाई में। और अब तक आपका आता है ईयरफोन, ईयरफोन एंड हैंडफोन एक्सेसरीज में, ईयरफोन एंड एक्सेसरीज, ईयरफोन एंड हेडफोन्स एंड गेमिंग ईयरफोन्स एंड हेडसेट्स, ठीक है। और दूसरा आता है एक्सेसरीज ऑफ एंड पार्ट्स, एडेप्टर्स एंड कनेक्टर्स, ऑडियो साउंड कार्ड्स, मिक्सर्स, केबल्स, कार्ड रीडर्स, क्लीनर्स, डिजिटल लाइटर्स एंड पैंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स एंड म्यूजिक। सो आपको मैं जो प्रोडक्ट दिखा दिया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। ये इंडिया में भी बनता है, बाहर से भी बनता है, इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग करता है और बाहर कंट्री भी, फॉरेन कंट्रीज भी इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ज़्यादा करके इंडिया में जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस, जैसा कुकर हो गया, सूप कुकर, राइस कुकर, टोस्ट मेकर, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, पहला जो होता है जापान, आज से 20 साल पहले जापान नंबर वन था, देन साउथ कोरिया, चाइना आगे। तो आगे बताऊंगा कितने सारे वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और कितने सारे टॉप कंट्रीज है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो भारत में फिलहाल ज़्यादा कंपनीज इंडियन कंपनीज होता है, जो इंडियन कंपनीज है, टॉप 20 इंडियन कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी फिलहाल जापान, साउथ कोरिया और चाइना से बहुत सारे कंपनीज इंडिया आकर भी अभी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 2020-21-22 में जो कोविड आ गया, कोविड चाइना में अभी बहुत स्प्रेड हो गया, एक डेढ़ साल से चाइना का बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद है कोविड के वजह से, और बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद होने के कारण बहुत सारे अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज के जो फैक्ट्रीज थे वो धीरे धीरे इंडिया के तरफ आ रहे हैं, इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया चाइना का प्रॉब्लम आ रहा है, कोविड का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट का बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के वजह से वहाँ का जो वेस्टर्न कंपनीज थे वो चाइना से निकल कर इंडिया आ रहे हैं। कोई कोई कंपनीज वियतनाम जा रहे हैं, कोई कोई कंपनी लाओस, कैम्बोडिया, कोई कोई कंपनी जा रहे हैं इंडोनेशिया एंड सिंगापुर एंड मलेशिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज प्रीफर करते हैं इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया में, हमारा जो स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज बहुत सारे देता है
और इसीलिए बहुत सारे कंपनीज इंडिया आते हैं और वियतनाम जाते हैं। वियतनाम और इंडिया दो कंट्री है जो वेस्टर्न कंट्रीज जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनका थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया और वियतनाम अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में टॉप 20 बड़े बड़े कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो जो कंपनीज का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंडियन कंपनी पहले आपको बता रहा हूँ, इंडियन कंपनी कौन सा है। तो इंडियन कंपनी में आप देख लीजिए, टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया होता है नीतिराज इंजीनियर्स लिमिटेड, अपलाव APLAB अपलाव लिमिटेड, शिवालिक बीमेटाल कंट्रोल्स ये कंपनी है, आदित्य विजन लिमिटेड और सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनीज है, 6 कंपनीज है, ये टॉप कंपनीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडिया में बनाता है। और भी कंपनीज है, इंडिया का कंपनी है गोदरेज है, वो भी इंडियन कंपनीज है, सैमसंग और फॉरेन कंपनीज है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, LG है, सोनी है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक्स है, विजया सेल्स इंडियन कंपनी है, गोदरेज इंडियन कंपनी है, पैनासोनिक फॉरेन कंपनीज है, हाइयर कंज्यूमर कॉर्पोरेशन कंपनी है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन कंपनीज है, तोशिबा ये इंडिया फॉरेन कंपनीज है, वर्लपूल है। जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर कंपनीज बता दिया, ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है और एक्सपोर्ट करता है इंडियन कंपनीज, और फॉरेन कंपनीज भी बहुत सारे आकर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और आप जो कंपनी का नाम बता दिया, आपको जो कंपनी का नाम बता दिया, ये कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप भारत का जितने सारे टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इन्हीं वेबसाइट में जाकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ढूंढिए और मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करके आपका कंपनी का ब्रांड में आप बनाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल एक राइस कुकर आप क्या करिए, इंडियामार्ट.com में जाइए, इंडियामार्ट.com राइस कुकर मैन्युफैक्चरर्स ढूंढिए, या टोस्टर मैन्युफैक्चरर ढूंढिए, या टेबल फैन मैन्युफैक्चरर्स ढूंढिए, तो आपको भारत का बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करिए कि आपका ब्रांड में कंपनी, आपका ब्रांड में आपको बनाना है, प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना है। कंपनी जो रहते हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर आपका ब्रांड में उनको बनाना है तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, आपका ब्रांड में आपको बना के देंगे। तो आपका ब्रांड में बनाने के बाद आप अफ्रीकन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री, कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको वारंटी देना पड़ेगा, आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स को वारंटी देना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंज्यूमर्स को बायर्स को वारंटी देना पड़ेगा, 1 साल का वारंटी 2 साल का वारंटी देना पड़ेगा। अगर वारंटी दोगे तो कंज्यूमर बायर्स प्रोडक्ट खरीदेंगे, और वारंटी देने के लिए आपको हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मैकेनिक्स वगैरह अपॉइंट करना पड़ेगा। कभी कभी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और अगर कुछ माइनर डिफेक्ट्स आ जाती है तो फिर आपका लोकल, वहाँ का जो लोकल मैकेनिक होते हैं वो उसको रिपेयर कर देंगे। तो ये जो सर्विसेज आपको देना पड़ेगा, अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड दे सकते हो, कर सकते हो, फिर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा कि हमारा इंडिया का गोदरेज अप्लायंसेस, गोदरेज बजाज अप्लायंसेस बड़े बड़े कंपनी है, और आपका वोल्टाज है, एयर कंडीशनिंग में वोल्टाज है, टाटा ग्रुप का बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो सब बड़े बड़े इंडियन कंपनीज है, ये फॉरेन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में उनका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं वारंटी सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसा ही कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट कंपनी इमीडिएटली कर देता है, 1 साल का वारंटी देते हैं, वो 1 साल के अंदर अगर कुछ कंपनी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट दे देते हैं, या माइनर इफेक्ट होता है तो उसको मैकेनिक बना देता है। तो एग्जांपल, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए घाना को एक्सपोर्ट किया या नाइजीरिया को एक्सपोर्ट किया,
तो अगर वो प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट हजारों प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए वो प्रोडक्ट को आइदर रिप्लेसमेंट करिए या प्रोडक्ट को आप रिपेयर करिए। तो ज़्यादा करके जो क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद मैकेनिक्स अपॉइंट करता है तो मैकेनिक्स उस प्रोडक्ट को जैसा ख़राब हो जाता है वारंटी पीरियड में कोई भी कंपनी तो नया प्रोडक्ट नहीं देता है लेकिन उसको बनाता है रिपेयर करके बनाता है उसको क्लीन करके पैकिंग करके रीपैकिंग करके कंज्यूमर को दे देता है। तो ये कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप ठीक से रिपेयर करके वारंटी उसको दे सकते हो तो फिर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया का जो बता दिया टॉप कंपनीज इंडियन कंपनीज है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग करता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी का नाम बता दिया आपको। आप जो इंडियामार्ट.com exportersindia.com जैसा साइट से वहाँ से जाकर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करके वहाँ से प्रोडक्ट बनाकर वहाँ से खरीद कर ब्रांडेड बनाकर आप दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इंडिया कौन से कंट्रीज़ को कितने सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ ऑनस्क्रीन देख लीजिए। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 41 कंट्रीज़ इंडिया फिलहाल 41 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होता है USA UAE नेदरलैंड्स चाइना सिंगापुर इंडोनेशिया इटली जर्मनी बेल्जियम हांगकांग साउथ अफ्रीका नेपाल ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील सऊदी अरबिया श्रीलंका मलेशिया नाइजीरिया इजराइल फ्रांस थाईलैंड जापान स्पेन कनाडा केनिया इजिप्ट फिलीपींस इराक ताइवान ईरान रशिया स्विट्ज़रलैंड पोर्चुगल न्यूजीलैंड स्वीडन डेनमार्क ग्रीस आयरलैंड फिनलैंड लग्जमबर्ग ये जो कंट्रीज़ को इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। हमारा भारत इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। 2012-13-14 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं था, धीरे धीरे इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रहा है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करोगे बायर्स से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से लेकर फिर ये ज़्यादा बढ़ेगा। कंज्यूमर ध्यान दीजिएगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग जितना बढ़ेगा हमारा इंडिया में उतना नौकरी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगा क्योंकि एक एक कंपनी बहुत सारे लोगों को नौकरी देता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारे लोगों को नौकरी देता है। तो चाइना नंबर वन में है इंडिया में वर्ल्ड में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करिए अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो ये प्रोडक्ट में ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है फिलहाल क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं और आपका जो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं ये सब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इजीली एक्सपोर्ट हो पाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा प्लेयर नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लेकिन छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है। अगर आप इसी प्रोडक्ट में ध्यान दोगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है आप यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कंट्रीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी मांगेंगे, वो चाहेंगे जो बेस्ट कंपनीज से इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कुछ पार्ट ऑफ एशियन कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया तो आप इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता में इजीली अवेलेबल है इंडियन कंपनीज में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड कौन टॉप कंट्रीज है जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है एक्सपोर्ट करता है और कौन से कंट्री है जो इंपोर्ट करते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका नाम देख लीजिए। तो नंबर वन है चाइना। ठीक है, नंबर वन है टॉप एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया टॉप है चाइना। सेकंड में साउथ कोरिया ताइवान सिंगापुर जर्मनी USA मलेशिया मेक्सिको जापान नेदरलैंड्स ये जो कंट्रीज हो गया ये टॉप एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और बायर कौन है कौन बाय करता है ज़्यादा से ज़्यादा टॉप इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड USA चाइना हांगकॉन्ग जर्मनी सिंगापुर जापान साउथ कोरिया ताइवान मेक्सिको नेदरलैंड्स। तो मैंने आपको बता दिया हुआ द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ द
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना एंड यूएसए, यूएस एंड चाइना दो मेन मेजर प्लेयर्स हैं इन द वर्ल्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, ठीक है। यूएसए अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आता है चाहे यूएसए उसको खरीद लेता है, बाय कर लेता है, इम्पोर्ट कर लेता है। अमेरिका का लोगों के पास काफ़ी पैसा है, परचेसिंग पावर ज़्यादा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आप अमेरिका में सेल कर सकते हो। धीरे धीरे अमेरिका के साथ साथ कैनेडा आ रहा है, यूके एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, नेदरलैंड्स एंड आपका जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, ये जो कंट्रीज बता दिया, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये टॉप इम्पोर्टर्स होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट करने के लिए। तो जितने सारे कंट्रीज बता दिया उस कंट्रीज़ को आप टारगेट करिए, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स जितने सारे बता दिया, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड आपका कनाडा, यूके, जितने सारे टॉप कंट्रीज बता दिया, टॉप इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर हम वीडियोज़ बना चुके हैं। तो जितने सारे अमेरिका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जितने सारे कंट्रीज बता दिया इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उस वीडियो का जितने सारे लिंक्स होता है मैं हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वन बाय वन वीडियो देख लीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए कौन से कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.tuberosecorporation.com में जाकर भी देख सकते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ वहाँ पर है, या आप कोई भी वीडियो करीब 500 के ऊपर वीडियोज़ एक्सपोर्ट रिलेटेड आप देख सकते हैं यूट्यूब में। फिलहाल फ्री वीडियोज़ है, आप वन बाय वन वीडियोज़ देखिए और आपको समझ में आएगा एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट कैसा करोगे, एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हमें लिखते हैं कि सर एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा उसके ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। आप हमारे हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ट्यूबरोज कॉरपोरेशन यूट्यूब में सर्च करिए तो हमारा पुराने वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आने वाले दिनों में और बहुत सारे वीडियोज़ हम बनाएंगे हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एब्रॉड, और फिलहाल हमने ये वीडियोज़ में बताया, ये वीडियो में बताया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कौन इम्पोर्ट करता है, कौन एक्सपोर्ट करता है, भारत का स्टैंड क्या है, पूरा डिटेल्स में बता दिया। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आपको बता दिया ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, ज़्यादा एक्सपोर्टर्स फिलहाल इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है वही एक्सपोर्ट पोलू करते हैं। टाटा, गोदरेज एंड आपका जो वोल्टा जैसे बड़े बड़े कंपनीज है खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे यूनिट्स भी, छोटे फैक्ट्रीज है जो बहुत सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपको वो जो कंपनीज कैसे मिलेगा, जैसे कि आप जाइए, आपको जितने सारे बता दिया B2B ट्रेड पोर्टल्स बता दिया, B2B ट्रेड पोर्टल्स में वन बाय वन ढूंढिए प्रोडक्ट, ढूंढिए प्रोडक्ट, ढूंढने के बाद आप वहीं से मैन्युफैक्चरर्स ढूंढिए, भारत का मैन्युफैक्चरर ढूंढिए, वहाँ से प्रोडक्ट आप सोर्स करके, ब्रांडिंग करके, ब्रांड करके आप आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर नया एक्सपोर्टर हो, छोटे एक्सपोर्टर हो, नया एक्सपोर्टर, स्टार्टअप कंपनी हो, तो आप टारगेट करिए ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज, ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ऑल द साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरिबियन कंट्रीज, क्योंकि अमेरिकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज आपको वो चाहते हैं कि बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड बड़े कंपनीज से इंपोर्ट करने के लिए, जो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट क्या होता है एनी टाइम ख़राब हो सकता है, इसलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। जो रिच कंट्रीज है वो चाहते हैं कि बड़े बड़े अच्छे कंपनी से इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन, सेंट्रल कैरिबियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता, वो खरीद लेंगे आपसे, प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो आप क्या करिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने से पहले आप एक ब्रांड बनाइए, आप एक लोगो बनाइए, उसको ब्रांड बनाइए, ब्रांड को आप रजिस्टर करिए, ब्रांड को रजिस्टर करने के बाद आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाइए, मैन्युफैक्चरर्स को बताइए कि मेरे को आपका जो प्रोडक्ट है मेरे को मेरा कंपनी के नाम पर बनाना है, वो आपको बना के देंगे, पैकिंग कर देंगे, फिर आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एयर कंडीशन कंपनी के पास जाइए, आप कोई भी जो एयर कंडीशन कंपनी के पास जाइए और उसको बोलिए कि आपका जो प्रोडक्ट है मेरा ब्रांड में मेरे को बनाना क्या है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के और 1000-2000 यूनिट का प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका आपका ब्रांड में बना के देंगे, फिर पैकिंग भी करके देंगे, फिर आप वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट क्या होता है, आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ एक्सपोर्ट करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो वीडियोज है हमारा इस वीडियो का आप जो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा।
ज़्यादा जानकारी के लिए अगर और कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपके उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियोस बनाएंगे ताकि आप जल्दी ही इंडिया से ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, इंडिया का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत वास्ट, बहुत बड़ा हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिया से जितने सारे कंपनीज बता दिया वहाँ से सोर्स करके एक्सपोर्ट करिए। और एक्सपोर्ट करने के लिए जो अगर आपको मालूम नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, तो जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स वेबसाइट दिखा दिया वहीं से आपको सर्च करके सोर्स करना है, वहीं से आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, वहीं से ट्रेडर्स मिलेंगे, वहीं से आपको ब्रांड बनाकर आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना चाहते हो और उसके लिए क्या क्या सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए हम आपको मदद करेंगे, हमारा कंपनी ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।